अब यहाँ पर कि 12th में अपन क्या क्या सीखेंगे, तो ऐसे ही तुम्हारे 12th में ना मैं तुम्हें तीन चीज़ें सिखाऊंगा। एक तो ऐसी संस्थाएं जो लॉस प्रॉफिट में नहीं चलती है, केवल ये करना है भाई लोगों की भले करनी है कुछ भी हो जाए, ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है ये सीखना तुम्हें। दूसरा प्रोफेशनल पर्सन, ऐसे वे सारे पर्सन जो लोगों को क्या देते हैं सर्विस, यानी कि सर हम आपके पास आए क्या किसके लिए, सर्विस के लिए तो आए थे सर, आप भी तो पढ़ा रहे हो सर्विस दे। और एग्जांपल एक वकील के पास जाओ क्या कर रहा है वो, सर्विस दे रहा है बस। एक डॉक्टर के पास जाओ सर्विस दे रहा है, एक इंजीनियर के पास जाओ सर्विस दे रहा है, एक टीचर क्या दे रहा है सर्विस दे रहा है। तो NPO इसको अब अपन थोड़ी देर बाद डिटेल से करेंगे, NPO एंड प्रोफेशनल पर्सन, क्लियर। ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे एक तो अपन। दूसरा पार्टनरशिप, यानी जब दो लोग बाग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं ना तो उस बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होती है, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है ये सब सीखेंगे। और लास्ट तीसरा सीखेंगे कंपनी का कि कंपनी वाले अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो कैसे करती है। तो 12th का ओवरऑल जो अपना सिलेबस है, इस 12th के ओवरऑल सिलेबस में कितनी चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें पढ़नी है अपने को। फर्स्ट NPO एंड प्रोफेशनल पर्सन, सेकंड पार्टनरशिप, एंड थर्ड कंपनी। यानी इस 12th की अकाउंट्स की बुक में कि कितने टॉपिक है, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो कितने टॉपिक है, तीन टॉपिक है। फर्स्ट NPO एंड सेकंड एंड थर्ड। तो अब अपने को ये है कि चैप्टर नहीं देखने हैं, अपने को देखना है कि मुझे कितना